यूपी को लेकर माहौल तो ऐसा बना है कि अब यूपी को लोग उस जगह के नाम से जानते हैं जहां बुलडोजर चलता है और जहां एनकाउंटर होता है। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एनकाउंटर से पार्टियों को राजनीतिक फायदा भी होता है। 1998 से लेकर 2023 तक जितने बड़े एनकाउंटर हुए हैं उसमें किसी ना किसी पार्टी का फायदा जरूर हुआ है। कैसे, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। यूपी की सियासत में एनकाउंटर ने हमेशा से पॉलिटिकल बूस्टअप का काम किया है। श्री प्रकाश शुक्ला से ददुआ और ठोकिया तक एनकाउंटर की ये लिस्ट काफी लंबी है। यूपी में इन मुठभेड़ों पर सवाल तो उठे हैं, ह्यूमन राइट्स के नोटिस भी आए हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए एनकाउंटर होता रहा। इस स्टोरी में सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि कब कब बड़े बड़े एनकाउंटर्स का फायदा तत्कालीन सरकार और उसमें शामिल लोगों को हुआ है। तो शुरुआत करते हैं 1998 से, जब यूपी में बीजेपी की सरकार थी और कमान कल्याण सिंह संभाल रहे थे, और उस वक्त सरकार की नाक में डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने दम कर रखा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम साहब को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली थी, और इस बात की खबर मिलने के बाद जल्दी जल्दी एसटीएफ की टीम बनाई गई। शुक्ला पर हत्या, रंगदारी और हत्या की साजिश जैसे आरोप में कई मुकदमे दर्ज थे। बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी श्री प्रकाश शामिल था। हालांकि एसटीएफ ने शुक्ला को गाजियाबाद में मार गिराया, और इस एनकाउंटर में उस वक्त बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन बसपा के बढ़ते प्रभाव की वजह से बीजेपी की सीटों में कमी आई। लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा कायम रहा। पूर्वांचल की गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, पंडरौना, गाजीपुर और वाराणसी जैसे सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। 1998 के चुनाव में इसमें अधिकांश सीटें सपा को में मिली थी, और पूर्वांचल में बीजेपी के इस दबदबे के पीछे श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर को भी एक बड़ा फैक्टर माना गया था। शुक्ला का दबदबा जो था वो पूर्वांचल में ही था। उसके बाद बात करेंगे साल 2007 में हुए एनकाउंटर की, ददुआ और ठोकिया के एनकाउंटर की। उस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी। उस वक्त बिहार में ददुआ और ठोकिया को लेकर ऑपरेशन शुरू हुआ था। ददुआ और ठोकिया का आतंक यूपी के साथ साथ एमपी के चंबल में भी था। मायावती की सरकार में एसटीएफ की टीम बनाई गई और ददुआ और ठोकिया का एनकाउंटर भी हुआ, जिसके बाद मायावती को बहुत फायदा हुआ। ददुआ ठोकिया के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें मायावती को कठोर शासक की इमेज को लेकर बीएसपी मैदान में उतरी। बीएसपी को बिहार के इलाकों में फायदा भी हुआ। बीएसपी मध्य प्रदेश के 7 सीटों पर जीत चुकी थी, जो कि 2003 के मुकाबले 5 ज्यादा था। 2003 में बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2008 में बीएसपी ने अधिकांश सीटें बिहार इलाकों में ही जीती थी, जहाँ ददुआ और ठोकिया का खौफ चलता था। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को इसका फायदा मिला और बुंदेलखंड की 3 में से 1 सीट पर पार्टी को जीत मिली। यूपी के अलावा बीएसपी मध्य प्रदेश की रीवा सीट पर भी जीत हासिल कर चुकी थी। फिर आता है विकास दुबे का नंबर। आप सभी के जहन में ये याद तो फिलहाल ताजा ही होगी। मामला जुलाई 2020 का है, जब कानपुर के बिकरू में विकास दुबे और उसके साथियों ने डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था। विकास दुबे इसके बाद यूपी पुलिस के हिटलिस्ट में आ गया था। एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए कई राज्य में जाल बिछाया और आखिरकार मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। फायदे की अगर बात करें तो विकास दुबे एनकाउंटर के बाद 2022 में यूपी का चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। विकास दुबे के दबदबे वाले कानपुर डिवीजन में बीजेपी पुराने परफॉर्मेंस को दोहराने में कामयाब रही। कानपुर डिवीजन में इटावा, कन्नौज, औरैया, फरुखाबाद, कानपुर नगर और कानपुर देहात आता है। इन जिलों में विधानसभा की कुल 27 सीटें हैं। इटावा और फरुखाबाद और कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता है। 2022 में बीजेपी को 27 में से 22 सीटें मिली थी, वो भी तब जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की कुल सीटों में भारी कमी आई थी। अब बात करते हैं असद के एनकाउंटर से किसको कितना क्या फायदा होगा। तो असद एनकाउंटर का असर यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। प्रयागराज और कौशाम्बी समेत कई जिलों में असद एनकाउंटर और कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा रहने वाला है। असद एनकाउंटर के बाद राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सीधे सपा वर्सेस बीजेपी के बीच चुनाव होगा। कुल मिलाकर के असद के एनकाउंटर के बाद प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निकाय चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कैसे 1998 से लेकर के 2023 तक जितने भी बड़े एनकाउंटर हुए हैं उसमें कोई ना कोई राजनीतिक फायदा जुड़ा हुआ है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।